पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता रहता है। जरा कैपिलरीज के बारे में जानते हैं। कैपिलरीज जो है बहुत ही पतली एक्सट्रीमली थिन ट्यूब होती है ना, जैसे ये हमारी पल्मोनरी वेन्स आई, पल्मोनरी वेन नहीं वेन आई, एक वेन जो आई आगे चल के छोटी छोटी थिन स्ट्रक्चर्स में बढ़ जाती है ना, और यहां से जो है फिर ब्लड ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ये जो कैपिलरीज होती हैं, ये जो कैपिलरीज होती हैं, इनको हम थिन वॉल्ड नेटवर्क ऑफ वेन भी कह सकते हैं, है ना, नेटवर्क ऑफ वेन। देखिए ऐसे कैपिलरीज होती हैं, इनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो फ्लो करता है, और ये जो है ये मैंने आपको गलत बता दिया, ये कैपिलरीज से वेन की ओर जाता है, यहां से ब्लड कलेक्ट होता है, ब्लड कलेक्ट होके वेन में जाता है, और वेन से फिर जाता है कहां, हार्ट में, और हार्ट में फिर कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत देर से मैं हार्ट बोल रही हूँ, इस हार्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए हार्ट जो है एक ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है, कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो कि अपने साथ सब्सटेंसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, वाटर हो गया, ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। आप जो है एक पंप को वर्क करते देख कि इमेजिन कर सकते हो, अब जैसे कि एक मोटर पंप है, ये क्या कर रहा है, ये एक मोटर पंप है, इसमें ये एक इनलेट है और ये एक आउटलेट है ना, और ये इसका जो है वायर का कनेक्शन है, ये इसका स्विच है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ये पंप जो है स्टार्ट हो जाता है, और ये वाले होज से, ये वाले वॉल्व से पानी इसके अंदर जाता है, और ये वाले वॉल्व से वाटर जो है कंटिन्यूअसली आउट होता रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से फ्लो बन जाता है ना, इस तरीके से एक फ्लो बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हार्ट जो है हमारी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है, जो क्या करता है, कंटिन्यूअसली ब्लड पंप करता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली ब्लड कम पंप करता रहता है। अब ये ब्लड हार्ट होता कहाँ है, हार्ट होता है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, हार्ट होता है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, ये हमारा चेस्ट कैविटी है ना, ये देखिए चेस्ट कैविटी है ना, इसके अंदर हमारा हार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी फिंगर को अपने हाथ में ऐसे, अपने पाम में ऐसे रखिए और एक फिस्ट बनाइए, ये देखिए अपनी फिंगर को ऐसे कीजिए और ये जो है ऐसे कर लीजिए, ये जो है आपका फिस्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, ये फिस्ट, और आपका जो हार्ट है वो लगभग इसके बराबर है, जैसे मेरा हार्ट देखिए वो लगभग इसके बराबर है, इतना बड़ा मेरा हार्ट है। ठीक है, ये एक रफ आइडिया हमको बताता है कि हमारा हार्ट कितना बड़ा है। ठीक है, ये देखिए आपको लग भी रहा होगा, ये वाला जो वेन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल इससे रिजेंबल कर रहा है ना, अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये देखिए, ये मेरा इससे रिजेंबल कर रहा है, लगभग मेरा इसी के शेप में है हार्ट, देखिए बन रहा है ना, तो ये जो हमारा फिस्ट है ये लगभग हमारे हार्ट के शेप के जैसा होता है। अब ये जो हमारा हार्ट है इसमें भी दो प्रकार के ब्लड आ रहे हैं, एक होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब ये दोनों आपस में मिल ना जाए इसलिए क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं, है ना, वॉल्व्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको मिक्स होने से बचाते हैं। तो देखिए दो अपर चैम्बर होते हैं, ये जो है चैम्बर्स हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, कितने चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड, चार चैम्बर, चार कमरे वाला हमारा हृदय होता है। इसमें जो है ऊपर के दोनों चैम्बर को कहते हैं एट्रिया, एक को कहते हैं एट्रियम, एक को कहते हैं क्या, एट्रियम, दोनों को कहते हैं एट्रिया, नीचे वालों को कहते हैं वेंट्रिकल्स, इनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये जो है इन चारों के बीच में जो पार्टीशन है ये मदद करता है कि जो ब्लड है वो आपस में मिक्सअप ना हो, और जैसे कि ब्लड जो है अगर एट्रियम से आ रहा है, इन दोनों ब्लड्स के बीच में मिलने से बचाते हैं। अब हार्ट बीट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हार्ट बीट क्या होती है, वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स,
ये जो है मसल्स के बने होते हैं, ये जो मसल्स होती है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है, जिससे क्या बनता है एक रिदम बनता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक्चुअली में ब्लड का प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जिस प्रेशर से हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है ना, हार्ट जो है ब्लड को जिस रेट से पंप कर रहा है वो हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब हार्ट बीट जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये एक सेकंड के लिए भी रुक गई तो हमारी जान जा सकती है ना। तो जो हमारी हार्ट बीट है इसको चेक करने के लिए अगर ये रिदमिक है या नहीं, अगर हम बीमार होते हैं तो ये जो हार्ट रेट है जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ भी जाती है कम भी हो जाती है ना। तो डॉक्टर जो है इस हार्ट बीट को पहले तो चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टेटोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो ईयरबड्स लगे रहते हैं और इसमें से ऐसी दो ट्यूब्स जाती हैं, है ना, जो कि कनेक्टेड होती हैं आगे एक बड़े से वॉल्व से, है ना। ये क्या कहलाता है, ये स्टेटोस्कोप कहलाता है। ये क्या है, स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप से क्या पहचानते हैं हम, स्टेटोस्कोप से क्या पहचानते हैं हम स्टेटोस्कोप से हार्ट बीट जो है अपनी सुन सकते हैं। ये देखिए एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में, कैसे हम जो है किस छोटा सा स्टेटोस्कोप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमने अपनी पल्स रेट ली थी, है ना, और हार्ट बीट भी ली। थम्बिंग जो साउंड आ रहा है 4-5 मिनट तक आप देखोगे तो वो हार्ट बीट कहलाती है। अगर आप कंटिन्यूसली रनिंग करते हो, नॉर्मली जो आपकी हार्ट बीट है वो नॉर्मल होगी, है ना, बट जैसे ही आप रनिंग करने लगते हो वैसे ही रनिंग करने के बाद जो है आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस एनर्जी के लिए जो है आखिर सारी एनर्जी तो कौन ट्रांसफर करेगा, ब्लड करेगा, कौन ट्रांसफर करेगा, ब्लड करेगा। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को फास्टली पंप करने लगता है, फास्टली पंप करने लगता है। आपने ये भी महसूस किया होगा जब आप रनिंग करते हो तो आप जो है सांस बहुत जल्दी जल्दी लेने लगते हो, आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो, ब्रीदिंग फास्ट करते हो। ब्रीदिंग फास्ट होगी तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो ये हार्ट जो है उसको तेज पंप करेगा, फास्टली पंप करेगा। फास्टली पंप करेगा तो बॉडी के जो मसल्स हैं उनको क्या है, एनर्जी मिल पाएगी, एनर्जी ब्लड से मिल पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी एक एक सेल को, तो ऑक्सीजन से वो क्या करेगा, एक सेल रेस्पिरेशन करके एनर्जी रिलीज कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी का फंक्शन होता है। ये तो हुई हमारे बॉडी में एनर्जी को पहुंचाने की बात, ठीक है। अब हमारी बॉडी से जो वेस्ट आता है, जो वेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि लंग्स तक पहुंचा दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, पर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में एज फ्लूइड रह जाती हैं, एज फ्लूइड रह जाती हैं, ठीक है। तो इन फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में होती है एक और सिस्टम जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन, वो सिस्टम जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिक और हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाले वो कहलाता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्या, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का होता है, हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, ठीक है, 2 किडनीज के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिटर्स हैं, और ये क्या है हमारी, देखिए 2 कलर की दिख रही है आपको, एक तो है ब्लू, ब्लू जो है वो वेन्स को दिखा रही है, रेड जो दिखा रही है वो आर्टरीज को दिखा रही है। तो ये क्या है, आर्टरीज और वेन्स है। किडनी जो है यूरिटर्स को, किडनी जो है यूरिटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो नैरो लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोल रहे हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, और फिर ये है यूरिनरी ओपनिंग। होता क्या है, जितना भी वेस्ट है, वेस्ट जो वेस्ट है वो ब्लड के साथ इस किडनी में आता है। किडनी में जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन,
है ना, नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और इन नेफ्रॉन में से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस करके जो है ब्लड में से जो वेस्ट, लिक्विड वेस्ट है उसको निकाल लिया जाता है, है ना। हम जो ह्यूमंस है, हमारे लिक्विड वेस्ट का मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या है, वो होता है यूरिया। जबकि कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स है जिनकी बॉडी में जो सेल वेस्ट है वो किसके रूप में होता है, अमोनिया के रूप में होता है। और ये जो अमोनिया है ये अगेन वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में वाटर जो है वाटर करंट के साथ बॉडी के अंदर वाटर एंटर करता है, ऑक्सीजन उसी ऑक्सीजन में से, उसी वाटर में से ऑक्सीजन जो है ये ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं और जो वेस्ट है इसी वाटर करंट में रिलीज कर देते हैं और वाटर करंट के साथ ही वाटर जो वेस्ट जो है बॉडी से बाहर चला जाता है। और इन लिक्विड जो एक्वेटिक एनिमल से इनकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ओके, आगे देख लेते हैं। ये जो है कुछ लिजार्ड, जैसे कि आपके बर्ड्स देखे, लिजार्ड देखे, ये तो पानी पीते नहीं है, तो इनकी बॉडी जो है एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर निकालती है जिसको, जो कि मोस्टली कंपोज होता है यूरिक एसिड के, और जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का वो होता है यूरिया। ठीक है, किडनी के बारे में अगर बात कर ले तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग की जो है वो 1 से 1.8 लीटर यूरिन वन डे 24 आवर्स में पास करता है। और यूरिन का 95% क्या होता है, वाटर, 2.5% होता है यूरिया और 2.5% होते हैं अदर वेस्ट प्रोडक्ट। अदर वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि क्या हो गया, हमारी बॉडी में जैसे अगर कुछ WBG खराब हो गए तो वो हो जाते हैं वेस्ट में। ओके, कार्बोनेट्स तो नहीं, जो भी कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी से वेस्ट हैं या हमारी बॉडी को अब उसकी जरूरत नहीं है, वो एज वेस्ट जो है बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, अब जब आपने महसूस किया होगा, जब गर्मियों में, समर सीजन में, समर में क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है। स्वेट जो है हमारी स्किन के अंदर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है जब हमें गर्मी ज्यादा लगती है तो वाटर और सॉल्ट्स जो हैं इन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर आ जाते हैं, और इनके बाहर निकलने से हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होती है, ठंडक, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्वेट बाहर निकलता है तो उसमें वाटर और सॉल्ट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब इसी कारण से जो हम कपड़े पहने होते हैं उसमें आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। व्हाइट पैचेस मतलब कि जिन लोगों की बॉडी में सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है उनके अंडर आर्म्स में या वो एरिया जहां उन्हें स्वेट ज्यादा होता है वहां पे व्हाइट कलर की लेयर, व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। ये जो व्हाइट पैचेस हैं ये सॉल्ट्स के कारण बनते हैं जो हमारी बॉडी से इसके द्वारा निकलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, हमने पिछले चैप्टर में ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा था कि जो है देखो वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये देखिए एक बड़ा सा ट्री है, उसकी क्या है, रूट्स हैं, यहाँ पे क्या है, वाटर हम सॉइल में डालते हैं। अगर आपको घर में, आपके घर में कोई प्लांट सूख रहा है तो आप क्या करोगे, उसको पानी दोगे। जो पानी आप उसको दोगे तो कुछ दिनों बाद वो हरा हो जाएगा, अगेन से जीवित हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर है वो सॉइल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करके क्या है बॉडी के पूरे पार्ट्स में भेज देगी। अब हमारी बॉडी में तो ब्लड होता है पर प्लांट्स की बॉडी में क्या होता है, प्लांट्स की बॉडी में होते हैं वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू जो है वो पूरी बॉडी में, जब आप स्टेम को काट करके देखोगे तो स्टेम जब आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप स्टेम को काटोगे है ना तो उसमें आपको जो है कुछ ऐसे राउंड राउंड शेप के, आपने मूली के अंदर देखा होगा, मूली के अंदर जो है, मूली को जब हम काटते हैं तो उसमें बीच में आपको ऐसे ऐसे डार्क, ज्यादा डेंस व्हाइट स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये जो है इसके वास्कुलर बंडल्स होते हैं। अब वास्कुलर बंडल्स में जो है दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो वो जो क्या करते हैं वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं, उनको कहते हैं जाइलम, जो वाटर और मिनरल्स को कैरी करेंगे। अब ये बताओ वाटर और मिनरल्स तो सॉइल में होता है तो जाइलम का काम है सॉइल टू लीफ, क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है, लीफ में,
तो जाइलम का काम क्या है? सॉइल टू लीफ वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब फ्लूड क्या होगा? लीफ में बनता है, तो फ्लोएम का काम होगा लीफ टू सॉइल, लीफ टू सॉइल। जैसे ये फ्लोएम है, तो फ्लोएम जो है कुछ इस प्रकार से काम करेगा और जाइलम जो है वो कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, इसमें आपको बुक में डायग्राम के थ्रू ये दिखाया भी गया है कि वास्कुलर बंडल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक और चीज हमारी रह गई है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब जो लीफ होती है उसके निचले स्ट्रक्चर, निचले वाले हिस्से में जो लीफ होती है उसके नीचे वाले हिस्से में जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमा, है ना। और इसमें जो है स्मॉल ओपनिंग होती है, ये जो है गार्ड सेल से घिरा रहता है। ये जो स्टोमा है ये क्या करता है, जब लीफ में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है उसको वाटर वेपर के रूप में बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, जो एवोपरेशन ऑफ वाटर है ये जो है एक सक्शन पूल क्रिएट करता है। सक्शन पूल मतलब जैसे ठीक वैसे ही जैसे आप पाइप को खींचते हो ना, तो एक उसमें पूल क्रिएट होता है। आप अगर थोड़ी देर के लिए पानी को सक करके छोड़ देंगे तो पानी उसमें से कंटिन्यू फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कहलाता है सक्शन पुल, सक्शन पुल। और इसी सक्शन पुल के कारण क्या होता है, वाटर फ्लो होने लगता है। इसी प्रकार से वाटर जो है पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर या सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।